आजच्या या तीन दिवसाच्या डाळिंब संशोधन केंद्राच्या प्रशिक्षण संदर्भात उपस्थित असले आणि यावर जॉईन केलेल्या सर्व शेतकरी बंधूंचे आणि तसेच या विषयावर काम करणारे सर्व शास्त्रज्ञ आणि विविध केविकेचे सगळे कार्यकारी मंडळी या सर्वांचं मी या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो आणि आज आपण तिसऱ्या दिवशी च्या लेक्चर सिरीजमध्ये डाळिंब संशोधन मध्ये पाण्याचं व्यवस्थापन कसं आणि काय करायचं या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत मी डॉक्टर पी एस शिरपुरे प्रिन्सिपल सायंटिस्ट सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशन इंजिनिअरिंग राष्ट्रीय अनार संशोधन केंद्र सोलापूर इथे कार्यरत आहे गेली पंचवीस ते अठ्ठावीस वर्ष मी राष्ट्रीय निपोवर्गीय फळ संशोधन केंद्रावर कार्यरत होतो पण गेल्या चार ते पाच महिन्यापूर्वी मी अनार संशोधन केंद्र या ठिकाणी जॉईन केलेले आहे आणि मी पाण्याच्या नियोजनाबाबत किंवा जलसंबंध जे काही प्रबंधन तकनिके काढायच्या त्या संदर्भात मी काम करत आहे साथीओ होमोग्रॅनेट बद्दल जर सांगायचं झालं तर हे एरिड क्रॉप आहे आपल्याकडं टेम्परेट क्रॉप्स आहेत ह्युमिड क्रॉप्स आहेत सब सबह्युमिड क्रॉप्स आहेत त्याचप्रमाणे ऍरिड आणि सेमी एरिड मध्ये येणार हे डाळिंब एक पीक आहे ज्याचा एरिया गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये जबरदस्त वाढ झालेली आहे जवळजवळ अडीच लाख हेक्टरच्या वर आपल्याकडं आपल्या देशामध्ये क्षेत्र आहे आणि प्रॉडक्शन पण त्या संदर्भात बर बरस वाढलेलं आहे बरस प्रॉडक्शन एक्सपोर्ट पण होतो पण आपली प्रॉडक्टिव्हिटी फारच चांगली असं म्हणता येणार नाही साधारणतः बारा तेरा टनाच्या पर हेक्टर प्रॉडक्टिव्ह आपल्या या डाळीं पिकाची आहे त्यासाठी क्लायमेट हे आपल्याला कूल विंटर आणि हॉट लागतं आणि ड्राय समर लागतं ज्याच्यामध्ये ह्युमिडिटीचं प्रमाण फार जास्त नसायला पाहिजे म्हणजे साधारणतः आपण एरिड मध्ये जे पाऊस पडतो तो साधारणतः अडीचशे मिलीमीटर पर्यंत पाऊस पडतो पण सेमी एरिड मध्ये अडीचशे ते साडेसातशे मिलीमीटर पावसाचा झोन येतो त्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता चांगली असल्यामुळे आणि एरिड क्लायमेट असल्यामुळे डाळींचं कमर्शियल प्रोडक्शन घ्यायला लोकांना फारच वाव मिळालेला आहे हलक्या जमिनी आणि जेम पाऊस पाणी आणि त्यानंतर मग झाडाची अडॅप्टिबिलिटी सेमी क्लाय सेमी एरिड क्लायमेटला किंवा एरिड क्लायमेटला त्यामुळं या पिकाच उत्पादकता आणि उत्पादन बऱ्यापैकी चांगल्या वाढ झालेली आहे साधारणतः डाळिंब हे सब ट्रॉपिकल रिजिन मध्ये ग्रो करतात आणि ट्रॉपिकल वर पण होत आणि ज्या ठिकाणी तर... सुटेबल जमीन आ, सर, आ, आहे हा बोला सर थोडं लोंबी जरी घेतलं तरी चालेल काही शेतकरी बाहेरच्या स्टेट मधले आहेत हिंदी मराठी असं थोडं काही हरकत नाही येस येस अनार एक आ, एरिड और सेम एरिड अः में आने वाला एक फसल है जो बहुत ही मतलब फायदेमंद फसल है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो काफी 10-12 टन के एवरेज में है और उसके लिए क्लाइमेट है ना कूल विंटर और हॉट क्लाइमेट लगता है और ड्राई समर क्लाइमेट लगता है ये जनरली ट्रॉपिकल विश्व वृत्त पे जो पट्टी है उसपे और उसके आजू बाजू में जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें भी वो ग्रो किया जाता है जहां भी उसको सुटेबल सॉइल और सुटेबल क्लाइमेट मिलता है अभी आप देखोगे कि एरिया प्रोडक्शन यदि महाराष्ट्र का ही हम देखतेंगे। तो देखिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अनार का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें भी देखा जाए तो नासिक सोलापुर सांगली अहमदनगर पुणे और उसके बाद नंदुरबार कोल्हापुर यहाँ भी, भी काफी अनार का प्रोडक्शन लिया जाता है जो एवरेज प्रोडक्ट वहां की है बारह टन है और सबसे या उसके सोलापुर में तो जालना औरंगाबाद काफी परभणी में है तो मैं ये कह रहा था कि एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से पश्चिम महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है मराठवाड़ा सेकंड पोजीशन पे विदर्भ मिगर है और कोकण में तो कुछ नहीं है बाकी अदर स्टेट्स में भी काफी आ रहा है जहां भी एरिड एरिड क्लाइमेट है सॉइल टाइप साढ़े सात से साढ़े आठ पी के रेंज में है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस है और वेदर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की यदि कुछ uh, मात्रा में उपलब्धियाँ हैं तो वहाँ तो अनार अचित रहा आ रहे लोग कर रहे है। मैं पानी के रिलेटेड में कुछ चीज़ें बता रहा था कि uh, हमारे यहाँ रेनफॉल पैटर्न और सब चीज़ें को देखते हुए पानी की तो हर जगह किल्लत ही है मतलब हर जगह देखा जाए तो पानी अवेलेबल नहीं के बराबर ही है क्योंकि हमारे जो एजुअल प्रैक्टिस थे सरफेस मेथड ऑफ इरीगेशन से सब अप्सलेट हो गए हैं और आजकल फार्मिंग करना है तो सबसे पहले ध्यान देना है अपने पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है और उसको मैनेजमेंट कैसे करना है और हम लोग उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम तो पानी तो एक कॉमन uh, समझा जाता था लेकिन आजकल वो सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट हो गया है और सबसे ज़्यादा uh, जो इम्पोर्टेंस जो देना है तो वो पानी के व्यवस्थापन पे देना है और पानी को मैनेजमेंट कैसे करना है इस पे देखना है। अब हम देखते हैं मतलब है? है। जैसे बाकी का जैसे है, uh, जब चीजें कम है तो कैसे मैनेज करना इसको मैनेजमेंट कहा जाता है अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चार प्रश्न का उत्तर हमको देना है कि हम uh, पेड़ को लगने इतना करेक्ट पानी उसको दे रहे हैं क्या और दूसरी बात है ना ये पानी हमको बराबर टाइम पे दे रहे हैं क्या पानी की मात्रा बराबर होना चाहिए और टाइमली उसको मिलना चाहिए और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी सभी जो टर्सरी रूट है छोटे छोटे तंतु में जो रूट्स है जो उसके जड़ है उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्या और हम कोई पानी लॉस तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेड़ को लगता है सौ लीटर हाँ हम दे दे रहे हैं दो सौ लीटर तो कुछ चीज़ें पानी हम वेस्ट करें वो हमको करने का मतलब सब बंद करना है और उसके साथ साथ भी ड्रेनेज को भी इतना ही महत्व देना है जब रेनी सीजन में रहता है तो इससे क्या होगा इससे सबसे पहले हमारे यील्ड जो है वो बढ़ेंगे कि आज अभी जो 12-13 टन की यील्ड है तो पानी का व्यवस्थापन करोगे तो 15-20 तक टन तक बढ़ सकती है साथ साथ फ्रूट की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट यदि कुछ होगा तो है वो पानी का व्यवस्थापन जल का व्यवस्थापन उससे पानी का यूज और खत जो न्यूट्रियट्स है

वहाँ ड्रिप इशन के अंदर वो कर सकते हैं जहाँ मॉइस्चर जहाँ नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए लेकिन हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल्स के एरियाज में पानी कभी कभी मिलता नहीं है तो ये कॉलम उसके फेल टेंशन काम नहीं करते लेकिन हम लोग यदि बाष्पी वह उनका रेट कहीं से कहीं लेते रहेंगे पता करते रहेंगे केवी के से या कोई मेटेरियल से तो हमको पानी को शेड्यूल करने में पानी की रिक्वायरमेंट बनाने में या उसको एक्सेस करने में क्यों उसको कैलकुलेट करने में हम लोगों को काम आ सकता है अभी हम मेथड्स देखेंगे सबसे पहले तो ग्रेविटी मेथड्स है जो बेसिन इरिगेशन रिंग बेसिन चेक बेसिन वगैरह था उसके बाद डबल रिंग बेसिन आ गया उसके बाद फ्लडिंग तो पहले सबसे पहले रहता था ये सब चीजें कहीं भी हॉर्टिकल्चर क्रॉस में नहीं करना है अब जहाँ तक हॉर्टिकल्चर की बात है हम हॉर्टिकल्चर क्यों करते हैं क्योंकि जो बहुत ही भारी टाइप की जमीन है वो फील्ड क्रॉप्स में काम आते हैं और जो मध्यम और हल्के जो प्रति के जो जमीन है जो लैंड है जो जमीन है वो ज़्यादातर बागवानी में ज्यादातर यूज होता है जहाँ ज्यादा एरिया रहता है ज्यादा स्पेसिंग रहता है और वो ऑक्युपाई करके ज्यादा एरिया हम लोगों को ऑक्युपाई करके रख सकते हैं लेकिन उसमें फसल बागवानी फसल में पानी ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है पानी पर्याप्त तो मात्रा में यदि है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं हम नमी को मेंटेन करने के लिए जितना पानी लगता है उतना अवेलेबिलिटी है तो उतना हद तक हम लोग प्लांटिंग ले सकते हैं पानी का जो सोर्स है उसको देखते हुए ही प्लांटिंग की मात्रा हमको करनी चाहिए हमारे पास यदि दो सौ कर सकते हैं तो हमको उतने हिसाब से ही प्लांटिंग करना है ताकि नहीं कि उसका दुगना एरिया हम प्लांट करेंगे तो पानी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोगों को कम पड़ जाएगा सभी पौधों को मिल नहीं पाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन तो सुटेबल नहीं है कोई भी इरिगेशन मेथड पेड़ के पत्तों के ऊपर देने का कोई भी टेक्नोलॉजी कहीं रिकमेंडेड नहीं है वो नहीं करना चाहिए मिनी स्प्रिंकलर

तो हम ऊपर से आर्टिफिशियली पानी देते हैं प्लांट को उसके जो रूट जोन है पर्टिकुलरली जो टर्शरी रूट है पेरिफेरियल रूट है जहां रूट की मात्रा छोटी है लेकिन ज्यादा नंबर में है वहां फ्रीक्वेंट इंटरवल में फ्रीक्वेंट इंटरवल का मतलब बार बार पानी देना है मात्रा कम भी रहे लेकिन बार बार देने की जरूरत है डेली पानी देना चाहिए डेली चार बार भी देना चाहिए यदि ड्रिप सिस्टम वगैरह है तो ताकि पेड़ का जो यहाँ पर डिमांड है जो पेड़ का ट्रांसपुरेशन है जमीन के ऊपर की जो जमीन से जो बाष्पीबन होता है, है पेड़ के पत्तों से निकलता है इसको डिमांड को हमको देने के लिए जितना पानी लगता है उसको हमको इरीगेशन से देना है इसको इरीगेशन कहेंगे और पहले ये था कि फ्लैट बेड रहते थे फ्लैट बेड में दिक्कत क्या है कि पानी फ्लडिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता था एक पेड़ का दूसरा पेड़ पे डिस्टिजेस फैलने का भी वो प्रादुर्भाव पहले बहुत होता था अभी भी होता है तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग अभी रेस बेड सिस्टम पे हॉर्टिकल्चर का प्लांटिंग करनी चाहिए इसका सबसे पहले फायदा ये है कि सॉइल वाटर प्लांट जो रिलेशनशिप है जहां एयर वाटर और सॉइल का जो रेशियोस है वो मेंटेन करने के लिए फायदा होता है जो फ्लैट बेड में नहीं होता है अब इरिगेशन को हम समझाएंगे तो इरिगेशन में दो चीजें है जब पानी देते हैं तो जमीन के अंदर हवा नहीं होती है और जब हम पानी देने से पहले दिन जाते हैं तो जमीन के अंदर हवा रहती है लेकिन पानी नहीं रहता है तो दोनों कंडीशन वर्स्ट है हमको चाहिए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट मट्टी पच्चीस परसेंट पानी और पच्चीस परसेंट एयर यह कंडीशन सबसे बेस्ट कहा जाता है जिसको मराठी में वापसा बोलते हैं मतलब पानी देने के बाद चालीस पचास घंटे के बाद जो कंडीशन रहती है हवा जहाँ घुस जाती है पानी थोड़ा सा निकल जाता है वो कंडीशन फेवरेबल रहता है हंड्रेड परसेंट

वो सब हमको लेने में आसानी हो जाता है जो कन्वेंशनल मेथड में जो फ्लड इरीगेशन में नहीं था इसीलिए आजकल आप देखोगे ड्रिप इरीगेशन पे यील्ड बड़े है बाकी भी फसल में देखोगे तो दुगने हो गए है सब यील्ड क्योंकि ड्रिप की जो बेनिफिट है वो सब भी फसल को मिल रहा है और आजकल कोई भी फसल फ्लड इरीगेशन से नहीं करता है इवन तो वेजिटेबल्स फ्लोरिकल्चर फील्ड क्रॉप्स सीरियल क्रॉप सब जगह आज ड्रिप का इस्तेमाल हो रहा है इसका फायदा है क्योंकि इससे 50-60 परसेंट पानी बचत होती है फर्टिलाइजर भी हम पानी के माध्यम से देंगे तो 20-25 परसेंट फर्टिलाइजर बच जाता है जिसकी कॉस्ट काफी है इनपुट कॉस्ट हम बचाएंगे तब भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ दिल्ड और यील्ड दोनों भी बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज जो है खेती करने का है ना वो थोड़ा सा मुनाफे में आ जाता है अदरवाइज खेती करना आजकल कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन पाया है अब हम लोग देखेंगे कि, कि पानी की रिक्वायरमेंट पेड़ को कितनी लगती है देखिए वो तीन चीजों पे निर्भर करती है एक तो सॉइल का फैक्टर्स जो सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है कौन सा टाइप का सॉइल है टेक्सचर क्या है उसका डेप्थ कितना है फील्ड कैपेसिटी फील्ड की कितनी है उसमें डेंसिटी ऑफ द दॉइल क्या है कितना पानी पकड़ के रखता है ये सब चीजें देखेंगे तो ये सॉइल फैक्टर्स है अब क्लाइमेट फैक्टर में देखेंगे तो टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा है क्या ह्यूमिडिटी है क्या विंड स्पीड और जो सोलर रेडिएशन है ये सब चीजों को देखते हुए पानी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है अब ज्यादा टेम्परेचर है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है बारिश के पीरियड में ह्यूमिडिटी जब नब्बे परसेंट रहती है कोई भी पेड़ को कोई पानी देता नहीं है क्योंकि हवे के ह्यूमिडिटी से आदत ही काफी इरिगेशन का वो काम करते रहता है और सोलर रेडिएशन यदि बढ़ता है ज्यादा तब पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है कम हो तो कम होता है विंड स्पीड बढ़ता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है ये सब चीजें फैक्टर आपको वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने में लगते हैं अब क्रॉप के खुद के भी फैक्टर है जो क्रॉप कितने साल का है उसकी कैनोपी कितनी है वो कौन से स्टेज पे है वो फ्रूटिंग स्टेज पे है फ्लावरिंग में है रेस्ट स्टेज पे है ये सब निर्भर करता है तो उसके कैनोपी का एरिया कितना है कितना परसेंट हम वेटिंग करना चाहते हैं ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने पानी की रिक्वायरमेंट पे काफी एक्सरसाइज करके हम लोगों ने एक ए बी सी डी फॉर्मूला निकाला है ये फार्मर के लिए बहुत तो आसान है समझने के लिए काफी मैं समझता तो हूँ आजकल बहुत से लोग समझ पाते हैं बहुत चीजों को यदि हम लोग समझा पाएंगे तो तो पोमोग्रेट की वाटर की रिक्वायरमेंट यदि हमको निकालना है एक पेड़ की तो यदि पोमोग्रेट हमने साढ़े चार मीटर बाय तीन मीटर पे लगाया है पंद्रह बाय दस फीट पे तो उसका एरिया है साढ़े तेरह मीटर स्क्वायर और पैन फैक्टर है ना कि ओपन सरफेस तालाब से जो पानी निकलता है वो जमीन से निकलने के फैक्टर से काफी तीस परसेंट कम रहता है इसीलिए उसका तीस परसेंट कम करके ले सकते हैं युवा प्रेशन को क्रॉप का फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है पोमोग्रेनेट कौन से स्टेज पे उसके मुताबिक फैक्टर रहते हैं पॉइंट फोर है पॉइंट सिक्स है पॉइंट एट है या पॉइंट फाइव है उसके हिसाब से क्रॉप का कितना फैक्टर लेना है वेटिंग फैक्टर कितना परसेंट हमको उसका जो सेड है वो हमको बिगोना है फुल सेड के सत्तर अस्सी परसेंट भी हम लोग बिगोगे तो पानी को 100 परसेंट इिगेशन हो सकता है और जो यो ऑपरेशन जो बाष्पी भवन बोलते हैं ना कि पैन का जो बाष्पी भवन है मिलीमीटर पर डे बाष्पीभवन कितना है इसको हम चीजों को एक साथ यदि हम गूंढ लेंगे तो लीटर पानी एक दिन में एक पेड़ को मिलता है अब एरिया यदि मीटर में है मीटर स्क्वायर में और पैन ऑपरेशन मिलीमीटर पर डे में है तो लीटर पर डे में एक पेड़ को पानी मिलता है और उसमें और उसमें एक चार पांच परसेंट ये इन सब चीजों को फैक्टर को निर्भर करने के बाद जो आएगा तो वो पानी हम ड्रिप सिस्टम के थ्रू देना है वो भी एक पेड़ को कितने लीटर के ड्रिपर लगे हैं उसके हिसाब से टाइम कंट्रोल करके टाइम मैनेजमेंट करके पानी सिंचन से

ये ऑपरेशन दोनों भी कम होते जाते हैं और एंड ऑफ जनवरी तक भी हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम महसूस नहीं करते सिर्फ हमको आता है कि फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मई जून कुछ जुलाई भी पार्ट जहां मानसून टाइम पे नहीं आया तो वहां भी करना पड़ता है तो इसके हिसाब से हम क्रॉप कोई पेशेंट जो है ना क्रॉप कोई मतलब जो पीक गुणांक क्रमांक उसका है ना कि जब भी स्टेज अलग अलग में अलग अलग क्रॉप फैक्टर्स लगते हैं अब जब पेड न्यू लीफ इनिशिएशन में है तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट टू लगता है जब क्रॉप डेवलपमेंट होता है तो पॉइंट एट पॉइंट सिक्स सेवन ऐसे लगता है मैच्योरिटी में ज्यादा लगता है लाइक ऐसा और हार्वेस्टिंग में फिर कम हो जाता है कोई भी फ्रूट क्रॉप हार्वेस्ट करते वक्त तो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है कम करना चाहिए ताकि फ्रूट की क्वालिटी यदि अचीव करना है तो पानी की मात्रा कम करना एक ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हो जाता है अब हम आएंगे वाटर रिक्वायरमेंट जो है पानी की मात्रा भी अभी की फार्मर ने पूछा था कि पानी कितना लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एक पेड़ को तीनों बहार में अंबिया बहार हस्तबहार और मृग बाहर ये तीनों बहार में जनवरी अब हम देखेंगे अंबिया बहार जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो क्रॉपिंग पैटर्न है जो इनिशिएशन स्टेज से लेके जो जनवरी में जाएगा वो ज्यादातर ज्यादा पंद्रह अठारह लीटर पानी लगता है यदि पांच साल का पौधा है जनवरी में भी बाष्पीवन कम रहता है और पेड़ की कैनोपी भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है तो वो ट्रांसपुरेशन और एपरेशन दोनों मिला के, के अंदर से पंद्रह अठारह लीटर पानी जाता है जैसे जैसे बढ़ता है समर या धूपकाल वैसे वैसे पानी की मात्रा भी बढ़ती जाती है फरवरी से लेकर मार्च तक पानी की रिक्वायरमेंट आंबिया में ज्यादा रहता है क्योंकि आंबिया ये समर क्रॉप रहने से पानी की मात्रा ज्यादा लगती है हर एज के मुताबिक यदि दो साल का पौधा है तो सात आठ लीटर से उन्नीस बीस लीटर तक जाएगा जब वो पांच साल का चार साल का पौधा है तो बीस पच्चीस लीटर से लेके वो जाएगा पचपन अड़सठ लीटर सत्तर लीटर तक पानी लगेगा एन एवरेज पोमोग प्लांट को सत्तर लीटर पानी लगता है जो फुल्ली डेली डेली वाटर रिक्वायरमेंट है एक दिन नहीं देंगे तो दो दिन में दे दोगे तो दोनों को दुगना करना पड़ेगा इसके हिसाब से देखा जाए तो मैच्योरिटी स्टेज पे जब वो अप्रैल से लेके जून तक है तो अड़सठ लीटर से लेके सत्तर लीटर तक भी पानी जाता है फिर जब जून के एंड में थोड़ा कम होता है और हार्वेस्टिंग पीरियड में अगस्त में पानी की मात्रा कम लगती है चालीस लीटर सत्ताईस लीटर ऐसे कम कम होते जो इवन बारिश से भी मेट होता है तो उस वक्त पानी की मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती है लेकिन वो पानी उसकी जरूरत रहती है वो रिक्वायरमेंट उतना पानी का रहता है हमको महसूस नहीं होता है अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे मृग मृग जो जून में होता है तो उस वक्त पानी ज्यादा नहीं लगता 11 लीटर से लेके 20 लीटर 17 लीटर तक लगता है, है मानसून का हुआ रहता है टेम्परेचर सीधा फोर्टी से लेके फोर्टी थर्टी तक ड्रॉप हुआ रहता है तो उस पीरियड में पानी की रिक्वायरमेंट देखिए कम है उसके बाद भी वो मिनिमल 20 लीटर 18 लीटर से लेके जब वो सितंबर में वगैरह जब बारिश थोड़ा सा कम हो जाता है तो 20 लीटर से 25 लीटर से लेके 30 लीटर 33 लीटर या पच्चीस लीटर तक पानी की रिक्वायरमेंट जाती है बाद में जब सितंबर अक्टूबर में देखोगे तो एक 30 से पच्चीस लीटर का वाटर रिक्वायरमेंट मेंटेन है बाद में जब हार्वेस्ट होता है जनवरी में तो पानी की मात्रा ऑलमोस्ट तीस तैतीस लीटर से लेके पच्चीस छब्बीस लीटर तक के रेंज में आपको लगेगी वेल ग्रोन पांच साल के पौधे की बाकी वाले पौधों के एज के हिसाब से पानी की मात्रा दी है आप लोगों को ये इसके माध्यम से उपलब्ध होगा आप उसको आप नोट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप सिस्टम के माध्यम इरिगेशन सिस्टम के थ्रू अब वाटर रिक्वायरमेंट अब हस्तवार है हस्तवार जो बारिश के बाद जस्ट लिया जाता है सप्टेम्बर में तो पानी की बहुत कम मात्रा शुरू के पहले महीने में लगती है जब लीप इनिशिएशन स्टेज में 10-12 लीटर 15 लीटर तक पानी लगेगा बाद में अक्टूबर से दिसंबर तक जहां पानी की रिक्वायरमेंट उसकी सही में लगती है वो लेती है पंद्रह लीटर से लेके तीस लीटर तक पर डे पर प्लांट वेल ग्रोन पाँच साल के पौधे के लिए वही आप जब मैच्योरिटी आएगी दिसंबर से ले फरवरी में तो वो लगती है तीस लीटर पच्चीस लीटर सदौतीस लीटर कब कब चालीस लीटर तक रिक्वायरमेंट जाएगी और फरवरी से मार्च तक फिर टेम्परेचर बढ़ने से वो चालीस फोर्टी लीटर से लेके फिफ्टी लीटर तक वाटर रिक्वायरमेंट लेती है लेकिन यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली अंबिया बहार के हिसाब से कम है तब पानी की उपलब्धता जैसी है उसके हिसाब से फसल ले सकते हैं अपने पास पानी की आ, कितना उपलब्ध पानी हमारे पास है उस हिसाब से कौन सा क्रॉप लेना चाहिए वो फार्मर खुद ही तय कर सकता है ताकि पानी ज्यादा है तब अंबिया क्रॉप लेके और कौन सा सीजन में फ्रूट को मार्केटिंग ज्यादा है हस्त बाहर मिलेगा तो मेरे हिसाब से पानी भी कम लगेगा और हस्त बार का फ्रूट मार्च में आने से उसके जो मार्केट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मिल सकती है इस हिसाब से वो मैनेजमेंट कर सकते हैं अब हम देखेंगे माइक्रो इरीगेशन में ज्यादा बताने की अभी बहुत टाइम हो गया है बताने की मैं टाइम नहीं ले लूंगा माइक्रो इरीगेशन मतलब इरीगेशन पहले पूरे खेत को पानी देते थे माइक्रो इरीगेशन पेड़ को देते थे अब वो और भी फाइन वे में गया है तो हम अभी पेड़ों के जड़ों को पानी देना है और वो चीज आजकल हर एक आदमी को मतलब पता है कि हर एक चीज में ड्रिप इरीगेशन आ गए हम लोग सीधा पानी नमी पानी के जगह में नमी शब्द यूज करूंगा क्योंकि जो रूट बाहर के पेरीफेरी में कम से ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी में कम से कम थिकनेस के है वो रूट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है पानी और खाद के नियोजन के लिए पानी तो एक माध्यम है जो न्यूट्रिएंट को लेके ऊपर पहुंचवा देता है लेकिन सही चीजें तो न्यूट्रिएंट्स है जो पानी को घोल के ले जाता है इसलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी इसके साथ साथ काम करना उसका जरूरी मंद रहता है जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिय एनपी के ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन या झिंक आयरन जो भी माइक्रोन्यूट है सेकेंडरी न्यूट्रिय है कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम मैंगनीज ये सब चीजों को देखते हुए कि इरिगेशन एक आजकल माइक्रो फार्म में आया है जैसे बाकी चीज में माइक्रो प्रोपगेशन माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो फाइनेंस माइक्रो लेबर मैनेजमेंट ऐसे ऐसे माइक्रो इरिगेशन भी एक सिनोनिम उसके जगह से अप्लाई हुआ है और वो बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है हर फसल में यील्ड अचीव करने में उसका रोल बहुत अच्छा हो रहा है अब इसके बेनिफिट में बताऊंगा ना हंड्रेड बेनिफिट से नुकसान कुछ नहीं है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आजकल वो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर एक के पास पैसा है लेकिन टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है अब उसके वगैरह आजकल महाराष्ट्र और बहुत से स्टेट में सब चीजें ड्रिप इरीगेशन लगे है मैं मोर डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत से कंपनियां फोन करके ये लोग हेल्प करके आपको सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं एक टिपिकल लेआउट जो ड्रिप का मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये तो सब तो जो लोग देख चुके होंगे हर एक के फार्मर के पास है भी कुछ इनोवेटिव फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर के पास विजिट करेंगे तो अच्छी तरह देखने मिलेगा और महाराष्ट्र में तो ड्रिप पिछले तीस साल से काम कर रहा है तो वो सभी फार्मर को मतलब ज्ञात है है वो वो सब जानते हैं अब इसमें ड्रिप जो है, वो कितने लगना चाहिए? अब दो से ले के, दो लिटर, चार लीटर सोलह बत्तीस चौसठ एक से अट्ठाइस लीटर ये जैसे रिक्वायरमेंट है प्लांट की उस हिसाब से लगना चाहिए जहाँ एक पेड़ की रिक्वायरमेंट है दो सौ लीटर है तो आठ लीटर के ड्रिपर लगाएगा या सोलह लीटर के लगाएगा लेकिन डालिम जो है जो अनार है अनार के लिए मेरे हिसाब से एक पेड़ को चार लीटर के चार ड्रिपर दोनों साइड लाइन पे या एक ड्रिपर पे दो ऑफसेट माइक्रो ट्यूब पे देके लगाने से काम हो सकता है यदि वो रेगुलर ड्रिप चलाते हैं रेगुलर घंटे मेंटेन करते हैं प्लांट रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो रूटिंग पैटर्न उसका 65% से परसेंट भी कवर हो जाता है और यदि इनलाइन ड्रिपर करना है तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग रहे तो कर सकते हैं लेकिन बीच का पीरियड बीच का पोर्शन का पानी वेस्टेज जाता है इसीलिए मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ तब भी उसकी एफिशिएंसी 90 परसेंट जाएगी और पॉइंट सोर्स एक एक जगह पानी जाने से नीचे पानी कैपिलरी मूवमेंट से फैलने से पानी सबको जगह फैल जाता है इसीलिए उसकी मतलब चिंता करने की उसमें जरूरत नहीं होती है अब फ्रीक्वेंसी में आया पानी कितना देना चाहिए कैसे देना चाहिए मेथड्स बताया और मैंने फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं कि यदि चिकनी मिट्टी सॉइल है तो दो दिन के अंदर से ड्रिप कर सकते हैं दो दिन दिन का इरीगेशन टोटल मिला के मतलब साठ लीटर के जगह एक लीटर दो दिन एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं यदि चिकनी मिट्टी पचास साठ परसेंट क्ले कंटेंट है जिसे जिसको काली माती बोलते हैं और यदि क्ले लोम है उससे भी थोड़ी हल्की जमीन है तो डेली पानी देने की जरूरत है डेली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और यदि सैंडी सोइल है तो उसको तो डेली देना है पानी हल्की मुरमाड़ जमीन सैंडी जमीन जहां भी रेस्टेड बना के हम लोग प्लांटिंग किए है ड्रिप लगाए वहाँ डेली पानी चलना चाहिए क्योंकि जैसे अन्न और सबकी जरूरत डेली रहती है वैसे पानी की जरूरत प्लांट को डेली रहता है डेली ट्रांसफरेशन या होता रहता है तो पानी वाटर क्वालिटी भी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है जिसका ई सी सब वो जो प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए इसमें है ज्यादातर सोर्स पानी के सब जगह प्रॉब्लम नहीं है कई एक दो जगह हो भी सकता है पानी की जांच करवा के उस चीज को कोई आ, कोई तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं कोई मिक्सिंग करके या कोई और सोर्स उसको मतलब जोड़ के पानी की वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है तो सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं वो तो होना नहीं है लेकिन ज्यादातर केसेस में तो पानी की क्वालिटी बराबर ही है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम को थोड़ा देखना कहीं जगह हो सकता है जरूरी होता है अब हमने बताया कि पानी हम एक बार पौधों को देने के बाद उसको और जगह कैसे ज्यादा दिन तक रोक सकता है एक बार पानी तो दे दिया हमारे हाथ से निकल गया अब इसको हम मल्चिंग जैसे टेक्नोलॉजीज है उससे हम लोग उसको बहुत देर तक पानी की नमी को हम रोक सकते हैं एक सिंपल टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ा रोल करती है हम चार दिन का पानी है तो एक दिन का पानी हम मल्चिंग से रोक सकते हैं पच्चीस बेनिफिट मल्चिंग से है क्योंकि उससे क्या है कि ज्यादा आप देखोगे एक पेड़ को सत्तर लीटर पानी लगता है तो उसमें पेड़ को सात लीटर ही लगता है जो बाकी सात लीटर जो है वो पानी जमीन के सरफेस से जो जमीन का जो बाहरी पोर्शन है वहां से वो बाष्पीभवन हो जाता है तो उसको हम रोक सकते हैं मेजर पोर्शन को तो हमारे प्लांट को होने वाली उपलब्धता का जो नमी का उपलब्धता है वो बढ़ सकती है ये कॉन्जर्व करने के लिए अपने पास जो भी अवेलेबल है जो भी ऑर्गेनिक मैटर है भूसा है शुगर केन का ट्रैश है या घास का यदि कोई मात्रा उपलब्ध है स्ट्रॉज है जिसके हम लोग फार्म में इधर उधर फेंक सके उसको हम लोग मल्चिंग के मात्रा में यूज कर सकते हैं है। ब्लैक पॉलीथिन यदि आपके पास अवेलेबिलिटी कौन सी है और ये इन सीटू मॉइस्चर को कौनस मतलब जमीन के अंदर के नमी को कंट्रोल करने में सॉइल थर्मल बैलेंस मल्चिंग का रोल है ना बाहर तापमान ज्यादा है तो कम करेगा जमीन का जमीन का तापमान ज्यादा है तो बाहर का ठंडी में वो वार्म करेगा माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो भी है वो मल्चिंग से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो हम आजकल कल बायोलॉजी की बात करते हैं जहाँ ज्यादातर उसका रोल ये मल्चिंग से भी इम्प्रूव हो सकता है और ये मल्चिंग पेड़ के बाजू में एक आठ नौ इंच तक कुछ नहीं करना है पेड़ के जड़ के पास कुछ भी मल्चिंग करनी नहीं है पानी खाद और मल्चिंग पेड़ के जड़ के बाजू में आठ नौ इंच के पेरीफेरी में लेना ने कॉलर टाइप ओपन रखना है जमीन को क्योंकि उससे फुट रॉट कॉलर रॉट या कोई भी डिसीज लग सकता है ज्यादातर मल्चिंग उस इलाके में रहना चाहिए जहां उसका शेड का आउटर फेरी फेरी गोलाई है दोपहर को नून दोपहर को जब छाव आती है तो रिंग बनती है उस जगह ज्यादातर ज्यादा खाद पानी और मल्चिंग उसी जगह लगाना है और वही जगह करना है और बारिश में मल्चिंग निकलना है बाद में फिर जून जनवरी में फिर मल्चिंग को लगा सकते हैं अब कल्चरल प्रैक्टिस है इसमें क्या है कि छोटी मोटी गुड़ाई कर सकते हैं वो तीन या चार इंच तक की गुडाई करना चाहिए ज्यादा रूट डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं है fruit crop के कोई भी आ, root में इससे क्या है कि root breaking होता है 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 कि होता हो जाती है, फैटेप तरह सकता है। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए सैलो सैलो कल्टिवेशन दो तीन इंच का ही वो उसको खर, वखर वगैरह करना है सॉइल क्रैक्स भी भर जाएंगे सॉइल मल्चिंग जो बोलते हैं उससे तो नीचे वाला ऑपरेशन क्रैकिंग से जाएंगे जिसको बोलते हैं रोल वो करता है वीड है तो वो उसको हैंड वीडिंग करना है क्योंकि वो कॉम्पीट करेगा खाएगा उसको निकलना है और समर में सिंथेटिक पॉलीमर जैसे यूज करते हैं लेकिन वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है एंटी ट्रांसपेरेंट वगैरह स्प्रे ये फिजियोलॉजी के अगेंस्ट में है वो वो उतना ज्यादा यूज रेकमेंडेड नहीं है लेकिन वो भी कुछ टेक्नोलॉजीज है जो कभी बहुत ही पीरियड में केवल इन वन पॉइंट वन परसेंट वगैरह स्प्रे का रेकमेंडेड करते हैं अब मुझे सबसे चीज में समाप्त करने में ये चीज बताना चाहूंगा पानी आ, पेड़ के जगह एक्टिव रूट जोन को अप्लाई करना है फील्ड को नहीं करना है और फ्लडिंग नहीं करनी है पेड़ को हम लोग पानी देते हैं लेकिन पेड़ को हम नमी की जरूरत होती है पानी की नहीं पानी नमी बनाने के लिए देते हैं हम लोग एक लीटर पानी डालेंगे तो वो तीन या चार लीटर इतना वॉल्यूम इतना पानी अंदर फैलता है वो उसकी जरूरत है हम पानी नमी बनाने के लिए क्रिएट देते हैं और वो देना चाहिए बैलेंस पानी और न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है ड्रिप इरिगेशन से पानी कंट्रोल में दे सकते हो चाहे वो मात्रा में दे सकते हो जब चाहे जितना चाहे और उसके साथ न्यूट्रिएंट भी जो न्यूट्रिएंट जिस स्टेज पे लगेगा जो न्यूट्रिएंट की कमियां है उसको जो रूट को डेवलप करना है तो अलग है शूट को डेवलप करना है तो अलग है फ्रूट को डेवलप करना है तो न्यूट्रिय की रिक्वायरमेंट अलग है ये जो रिकमेंडेड है कल मैथी साहब ने जो आपको डोसेस दिए है इन चीजों को स्प्लिट में 15 डेज इंटरवल या वीकली इंटरवल में आप ड्रिप के माध्यम से सब फर्टिलाइजर दे सकते हैं जिसकी वजह से पानी की तो सेविंग हो जाती है उसके साथ फर्टिलाइजर की सेविंग होती है माइक्रो इरिगेशन आपको प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का एक की फैक्टर है क्वालिटी भी इंप्रूव करना है तो माइक्रो इरिगेशन उसके साथ फर्टिगेशन जैसे टेक्नोलॉजी इससे हो सकता है जो डिक्लाइन वगैरह प्लांट के कम हो सकते हैं पानी का तंतो तंत यूज करेंगे तो उससे सब भी फायदा पेड़ को क्वालिटी को मिल सकता है हम उससे हिसाब से लैंड सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मैन पावर एनर्जी ऑर्चर्ड की जो आयुष्यमान है ये सब को बे, बेटर रिटर्न इन चीजों को हम लोग अचीव कर सकते हैं मल्चेस और ड्रेनेज छोटे छोटे चीज है लेकिन इनको भी सॉइल वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बारिश के पीरियड में हम लोग ओपन ड्रेन्स नहीं देंगे पानी नहीं निकालेंगे हो सकता है उस वक्त का एंट्रेंस हो जाएगा और बाद में सबसे चार पांच महीने हम लोगों को तकलीफ दे सकता है जो विल्ट है वो सॉइल बोर्न रहने से उसका ज्यादातर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो उसको जा, कम से कम मात्रा में आएगा इसलिए पानी का मैनेजमेंट ऊपर से फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट भी ऊपर से करेंगे ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकालेंगे पानी निकालना पानी देने से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग सेंट्रल इंडिया में बारिश काफी होता है तो पानी निकलना भी एक सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो अनदेखी की, की जाती है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं कि वो पानी आ, ऐसे ही निकल जाता है लेकिन वो रूट के अंदर रहने से पूरा सब्सिक्वेंट सीजन में जो भी रूट जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रूट करता है वो सब चीजों को हेम्पर करता है इसीलिए ड्रेनेज भी देना सबसे जो है ओपन फील्ड ड्रेन भी देंगे तो मोर देन इनफ एफ सफिशियंट है तो इन चीजों के साथ साथियों में यही रुकता हूँ और आप शांति से सुन लिया है सबका मैं धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ देना चाहता हूँ मैं के वी के औरंगाबाद का जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर झाड़े साहब है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर ने हमको यहाँ लेक्चर देने का मौका दिया इसके लिए मैं हमारे मैडम का भी मैं धन्यवाद देना, देना चाहता हूँ